Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is Rakriti. Hope you all fine. चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो. Kind of random vlog होने वाला है आज का वीडियो. तो जैसे कि आपको पता है कि जम्मू में बैठ के इतने दिन हो गए मुझे हॉस्टल से आए हुए. मैंने अभी तक धूप नहीं देखी यार बाहर. मतलब धूप ही नहीं होती है बाहर यार. इतनी ठंड, मुझे ऐसे लग रहा है मैं कहीं कश्मीर और श्रीनगर में रह रही हूँ. इतनी ज़्यादा ठंड, ओह माय गॉड, इतनी ज़्यादा कि पानी ऐसा लगता है जैसे बर्फ जम के आ रही है. और बस दुआ करो यार धूप निकले. आई थिंक आज निकल रही है थोड़ी थोड़ी, वरना और कोई सहारा नहीं. ये रूम हीटर ही अपना सहारा है, दैट्स इट. तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विद रैंडम क्लिप्स के साथ. स्टे ट्यून्ड. ओके, तो गाइस आज मतलब जब से मैं आई हूँ तो मैंने सबसे पहले अपने रूम को थोड़ा हॉस्टल में एक सेपरेट प्लेस जिसको मतलब एक अपनी प्लेस बना के रखा था सजा के. तो यहाँ पे जो मेरा रूम है मैंने उसमें थोड़ा सा हॉस्टल वाला वाइब और टच देने की कोशिश की थी ताकि मुझे थोड़ा कम्फर्ट लेवल लगे. जैसे कि ये सेम दीवार आपने मेरे हॉस्टल में भी देखी है जो मैंने खुद के बनाए हुए थे, तो ये सब मैंने अब यहाँ पेस्ट कर दिए हैं. ये और ये मेरा स्केच है और वो मैंने बनाया. दिस इज बाय मी. ओके, तो वेट या तो जैसे कि आज थोड़ा फ्री सा फील किया है तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा जो कपड़ों का मैं सब डाल के रखा है मैंने अलमीरा में तो मैं उसको सेट कर देती हूँ. तो उसको सेट करने के लिए मैंने ऑनलाइन ना एक दो बॉक्सेस जैसे थे जो अलमीरा काइंड ऑफ थे वो ऑर्डर किए थे, तो वो आ चुके हैं. तो मैं आपको दिखा देती हूँ. ये ऐसे करके था, ये तो ये ऐसे करके ओपन होता है और इसको स्टेबल करने के लिए ये एक बॉक्स रेडी है. दो मंगवाए थे मैंने, सामान कम थोड़ी है 4.5 साल का जो इतना ज़्यादा गंद इकट्ठा किया हुआ है हॉस्टल में. तो ये रहे वो दो बॉक्स, मैं दिखा देती हूँ पहले. सी, दोनों बॉक्स रेडी हैं. अब इन्हें भर भी देते हैं ताकि मेरी अलमीरा सेट रहे, तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ, है ना. कुछ चीज़ें तो मैंने ऐसे लाइक पॉलीथीन में ऐसे घुसाई हुई हैं. आई मिस माय क्लास. तो चलो गाइज, मुझे ऐसे लग तो नहीं रहा है कि ये मैंने सजाया हुआ है. ऐसे लग रहा है उठा के बस गंद फेंक दिया. आई डोंट नो, बट अपनी तरफ से मैंने सब रखा है, ध्यान से रखा है. अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और भी डालते हैं इसमें. स्टे ट्यून्ड. ओके गाइस, तो एक बॉक्स तो सेट हो गया, लेकिन एज यू नो कि हर घर में एक चेयर जरूर होती है जिसमें सारे कपड़े भरे पड़े होते हैं, वो ये है. और ये क्यों सिर्फ मेरे रूम की क्यों है, मुझे ये इतना इरिटेट करती है. मैंने 4 दिन लगातार इसे अच्छे से तय लगा के रखा और मेरे भाई एज यूजुअल ऐसे कपड़े उठाए, ये पहने और ये फेंके. तो अब ये वाला जो बॉक्स है इसमें मैं यही कपड़ों का सेटअप करूँगी, फिर देखूँगी मैं कि किसी ने बिगाड़ा ना तो वो गए. सो लेट्स सेटअप ऑल दिस, फिर आपको दिखाती हूँ. ओके गाइस, तो फाइनली ये सेट हो गया. सी, उठा दी मैंने कुर्सी और ये सारे मैंने इस बॉक्स में डाल दिए इस तरीके से और सेट ऑल सेट. सो ओके गाइस, तो घर पे बैठे बैठे बोर होने से अच्छा है, तो जैसे कि आपको पता है सर्दियाँ और मूंगफली, इनका तो अलग ही रिश्ता है ना. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मूंगफली को मैं कैसे खाती हूँ. तो आपके लिए एक न्यू वे है, इस तरीके से ट्राई करके खा सकते हो, बहुत ही यम्मी होता है. तो लेट मी शो. प्याज, मिर्ची, नींबू और टमाटर और इसका मिक्सचर, वाओ.
ओके गाइस, तो अब मैं सो गई थी, उसके बाद मैं सो के उठ गई हूँ। अब सूरज भी सो के उठ गया है क्योंकि इसकी नाइट्स चल रही हैं, तो ये पूरे दिन सोया हुआ था आज, तो ये भी उठ गया है। अभी तक आंखें सोई हुई हैं, और उठते ही मुझे मिलता है मैगी विद सूप। आहा, सर्दियों में सबका फेवरेट होना चाहिए ये तो। और इसकी शक्ल देखना, उड़ जा अब, वापस नहीं जाना ड्यूटी पे, आज लास्ट नाइट है ना। अच्छा चौथी है। आंखें खोल पाले, आंखें कहाँ हैं, आंखें कहाँ हैं? Yeah, that's my eyes, bro. Isn't here? My God. मेरी भी कुछ ऐसी हो जाएंगी धीरे धीरे, मुझे लगता है। बस 15 दिन ही है तेरे को, जी ले जितना जीना है तूने, उसके बाद वही चलेगा सब कुछ, नाइट डे। उसके बाद मैं आपको इसी के साथ दिखने वाली हूँ फरवरी से। मैं खा लेती हूँ फिर उसके बाद आपसे। ओए यार, ये कैसी आवाज है? बाइक। ओके गाइस, तो आज है डे सेकंड, तो मैंने उस वाले ब्लॉग के साथ ही अटैच कर रही हूँ क्योंकि अभी आज मुझे कुछ काम है। किस पर्पस के लिए हम जा रहे हैं आपको बाद में दिखाएंगे, तो चलो चलते हैं इस चिकन गुनिया के साथ। ऐसे तो नहीं होता है। ओ चिकन गुनिया, मेरे ऊपर मत फेंकना प्लीज, नहाना नहीं तो फिर यही करना है। मजा आया, नहाना नहीं, चल जल्दी। ओके गाइस, मिलते हैं आपसे स्टेज पे। ओके गाइस, फैशन वैशन नहीं करने का, बस क्या कहते हैं उसको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने का। एक ही मेरा जूड़ा जो है मुझे तकलीफ दे रहा है, ये एडजस्ट नहीं कर रहा मेरी टोपी को। चलो हमारा फैशन हो गया हेलमेट वाला, चलो जल्दी चलते हैं। ओके गाइस, तो चलते हैं, बस रक्षा करना भगवान जी। वेरी गुड, ठंड बड़ी है, ठंड से रक्षा करना, और कुछ नहीं चाहिए, ठंड बड़ी है। और मैं जिस लिए जा रही हूँ, पता नहीं वापस कैसे आऊँगी। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सीमेंट भरने जा रही हूँ कहीं, अल्ट्राटेक वाली लग रही हूँ सच में। अंबुजा सीमेंट, ओ अब तो और ज़्यादा देख। ओ गाइस, यहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, शुक्र है हमारे वाले रास्ते में नहीं है, बट आई थिंक आते टाइम हम भी यहीं फंसे होंगे। सूरज हद से ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ज़्यादा। मैं तो जब से हॉस्टल से आई हूँ पता नहीं कितने दिनों बाद बाहर निकली हूँ, ऐसा लग रहा है सड़क भी पहली बार देख रही हूँ। गाइज, मेरा थोड़ा सा फैशन बिगड़ गया है क्योंकि मेरी हेलमेट बंद नहीं हो रही थी, तो मुझे जूड़ा खोलना पड़ा अपना। एक तो ठंड बड़ी लगी है यार, मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं। गली बोलते थे पांडे वाली गली बोलते थे इसको, मोती बाजार। हाँ, मोती बाजार है ना। ओके, मोती बाजार, यहाँ पे शायद मोती मिलते हैं ज्यादा। इस गली में हमें हमारी गली क्यों नहीं मिल रही सूरज? जल्दी मिल जाए, ठंड बड़ी लग रही है ये। ओके, तो यस गाइस, मैं मेहंदी लगवाने आई थी, तो क्यों लगवाने आई थी ये तो मैं नहीं बताऊंगी। मुझे इधर इतनी ठंड लग रही है, सूरज को शूट करने की पड़ी है, तो भैया मेहंदी लगा रहे थे, मैं बोल रही हूँ भैया यहाँ से ऐसे लगाना वैसे लगाना, भैया बोलते हाँ हाँ, पर लगाई उन्होंने अपने तरीके से ही है फिर भी, पर जैसी भी लगाई है नो डाउट बहुत अच्छी लगाई है, वो तो आपको बाद में दिखा ही दूँगी मैं, बट या बहुत अच्छी मेहंदी लगी। ठंड लग रही अब घर कैसे, और इस हालत में सूरज ऐसे सवाल पूछ रहा है ठंड लग रही है, मतलब मन कर रहा था पहले मेहंदी वाला हाथ इसके मुंह पे ही छाप दूं मैं, फिर सोचा चलो छोड़ो ये भी तो बेचारा मेरी वजह से ठंड में आया हुआ है, क्या बताऊँ मैं इस वक्त क्या फील कर रही थी। क्या होता है जो पैसे लेने आए थे अंकल?
तो इसके बाद हम पहुंच गए। मैंने कहा मुझे नहीं जाना है, पर सूरज ने कहा नहीं जाना है जाना है, और मुझे इधर ठंड लग रही है, देखो मैं कैसे बैठ गई हूँ इधर। बस इसको खुद की पड़ी हुई थी कि इसको शेक पीना है, तो फिर बैठ गए हम शेक पीने, मैं विद हेलमेट की। मैंने कहा ठंड लग रही है, कान तो गर्म होते रहे और हाथों की तो बैंड बजी हुई थी, और मैंने इस तरीके से फिर शेक पिया। पर था वो टेस्टी, जो मर्जी करो। आपको पता है रानी पार्क का सबसे फेमस शेक है ये। बस आज ज़्यादा ठंड लगी थी इसलिए विदा आइसक्रीम नहीं खाया, वरना चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी मैं खाती विदा आइसक्रीम। इसको देखो ड्राई फ्रूट्स वाला मंगाया था इसने खुद के लिए, कैसे चुन चुन के खा रहा है, मज़े ले रहा है। गाइस मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी गंदी ठंड लग रही थी कि मैं मतलब मैं रह नहीं पा रही थी, मैंने इसको रिमूव कर दिया। सो लेट्स सी कि ये मैंने क्यों लगाई है, ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लगने वाला है। तो अब तक के लिए कमेंट करो आपको क्या लग रहा है कि मैंने मेहंदी क्यों लगाई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।